हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप सब। तो यार चैट में फिर से लेके आ चुका आपके पास एक और नया वीडियो। और गाइस इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जा रहा है न्यू अपडेट के बाद, आप पॉज कर रहे हो फिर भी जो है वो डाउनलोड हो जा रहा है, अगर आप इन्वेंटरी खोल रहे हो या फिर आरपी खोल रहे हो या फिर शॉप पे जा रहे हो। सो गाइस इसका जो है सोल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस जब से अपडेटेड वर्जन आया है तब से जो है यहाँ पर डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं इन्वेंटरी खोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, आरपी खोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, और उससे जो है मेरा बहुत सारा डेटा जो है वो चला गया, मतलब डाउनलोड हुआ इसलिए। सो गाइस आपका भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो अभी, और गाइस जब भी आप खेलते हो तब आप जो है इसे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि गाइस डाउनलोड अगर होगा तो आपका डेटा जो है वो खर्च होगा ही, और उससे आपका स्टोरेज भी बढ़ता है BGMI का। सो गाइस यहाँ पर जो है आप सबसे पहले देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर गेम को ओपन करना है जब भी आप खेलोगे उससे एक दो मिनट पहले, ठीक है। गेम को आपको ओपन करना है, लॉग आउट करना है, ठीक है। सेटिंग पे जाके आपको जो यहाँ पर लॉग आउट करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डाउनलोड नाउ का बटन, जो मतलब डाउनलोड का बटन पहले होता ना कि गाइस मैं अगर वाईफाई से कनेक्ट होगा तब भी जो है सिर्फ डाउनलोड होगा और इसके बाद जो है डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ पर एक टिक मार्क का ऑप्शन था वो यहाँ पर नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइस, आपको सबसे पहले लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर से क्या करना है, फिर से जो है लॉग इन करना है, ठीक है गाइस। इसके बाद लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली गेम को जो है एक बार एग्जिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गेम को आपको एग्जिट करने के बाद फिर से जो है आपको यहाँ पर गेम को ओपन करना है। ओपन करते समय जब ये लिखा दिख जाए आपको क्राफ्टन के बाद जो ये लिखा होता है ना वो आपको दिख जाए, तो आपको जो है आपका डेटा जो है ऑफ कर देना है, ठीक है। और जब तक आप ये वाला नोटिस नहीं देख लेते हो तब तक जो है आप अपना डेटा जो है ऑन मत करना। तो गाइस आप जब ये नोटिस देखोगे तो आपका डेटा जो है आपको ऑन करना है, या फिर वाईफाई आपको ने लगा कर रखा है तो आपको जो वाईफाई यहाँ पर ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो पबजी है वो जो है यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा, एंड गाइस कुछ चेकिंग फॉर अपडेट दिखाएगा, इसके बाद लॉग इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देन आप देखोगे गाइस आपका जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पर आपको पॉज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस आप अगर चाह रहे हो कि आप डाउनलोड करो तब जो है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, बट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपना जो डेटा है वो बचा सकते हो, और जब भी आप खेलोगे तो आपको यही करना होगा, और फिलहाल के लिए यही सोल्यूशन है। और हो सकता है कि BGMI वाले आगे जो है अपडेट देकर या फिर कुछ मतलब चेंजेस करके यहाँ पर जो ये ऑप्शन को जो है दे दे डाउनलोड का, एंड हो सकता है ये ग्लिच को भी वो फिक्स कर दे। सो गाइस उसके पहले तक हमें यही करना होगा, हमें अगर अपना डेटा बचाना है तो, और आप इस प्रोसेस को यूज करके बहुत ज्यादा कर सकते हो, और फिलहाल के लिए यही सोल्यूशन है। सो गाइस वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।